तो तस्वीर में आप साफ तौर से देख सकते हैं किस तरीके से अनोखे तरीके से अग्निवीर का विरोध यहां पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील, जितने भी लोग इस खबर को देखें वो इसे साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। तो तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो गले में रस्सी बांध कर जो है विरोध करते हुए नजर आ रहे। क्या कहेंगे रस्सी बांधने गले में? ये जो अग्निपथ कानून बना है ये वापस होना चाहिए, वापस होना चाहिए। यहाँ हमें फांसी दो। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। हाँ, क्योंकि मजबूरी इतनी हो गई है, 1 करोड़ जो हरियाणा में है रिक्तस्थान खाली पड़े हुए हैं उनकी भरपाई भी नहीं हुई अभी तक। केंद्र सरकार मुर्दाबाद। किस तरीके से? तो तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अग्निपथ कानून वापस लो, अग्निपथ कानून वापस लो, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जो जुर्म की टक्कर में कहेंगे आज विरोध करने के लिए पहुंचे हैं, गले में बंधा डाला हुआ है। हाँ, क्योंकि जो इन्होंने ये अग्निपथ कानून बनाया है ये वापस होना चाहिए। इन्होंने हर चीज के नाम पर फंदा ही डाला है जनता के हाथ में। इन्होंने नोटबंदी के नाम पर जनता के गले में फंदा डाला, GST के नाम पर जनता के गले में फंदा डाला। आज इन्होंने नौजवान के साथ इतना बड़ा मजाक किया है कि उनके गले में फांसी का फंदा डाल दिया है। ये जो नौकरी है सब प्राइवेटाइजेशन करके इनको क्या हासिल होने वाला है? जो बच्चे बचपन से अपने सपना देखते हैं कि हमें मिलिट्री में जाना है, देशभक्ति करनी है, तो ये कौन सी देशभक्ति करने के लायक उनको छोड़ रहे हैं? ये अपनी देशभक्ति बताएं। ये खुद तो पार्लियामेंट में जाकर बैठते हैं 5 या 6 साल के लिए, और जो हमारे मिलिट्री में जो नौजवान देशभक्ति करने के लिए जाते हैं उनके लिए सिर्फ 4 साल की सर्विस छोड़ी इन्होंने। ये न्याय है? लेकिन वहाँ तो भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, फार्म भरने शुरू हो चुके हैं। ऐसा है, ये तो चलती रहती है। ये लॉलीपॉप, जो लॉलीपॉप होता है वो दिया जा रहा है भाई। सब साथियों से इन्होंने ये पहले भी किया था, अभी तो देखना आप इनका एक और सिस्टम आएगा। जैसे पहले किसानों को इन्होंने आतंकवादी बताया ना, अभी कुछ दिनों में देखना इनका आएगा कि ये हमारे नौजवान लोगों को भी आतंकवादी या किसी की साजिश का शिकार बताएंगे। हाँ जी, इसी का विरोध कर रहे हैं। हमारे नौजवानों के खिलाफ ये जो मजाक सरकार ने खेला है ऐसा हम खेलने नहीं देंगे। इन नौजवानों के नाम पर ये वोट तो मांग सकते हैं, इन नौजवानों की मदद करने के लिए इनके पास है क्या सिस्टम? क्या इनके पास कांग्रेस बड़ी देर बाद जागी है? ये हर चीज को अपने अपने एक आंचल में छुपा करके रखते हैं और रात को उठकर सुबह उसका अनाउंस कर देते हैं, और इनके पास कुछ भी नहीं है। क्या इन्होंने विपक्ष को अपने अपने विश्वास में लिया है? जब इन्होंने ये पास किया है तो क्या किसी विपक्ष को बताया गया है? कांग्रेस बड़ी देर बाद जागी है आज। प्रोटेस्ट किए गए हैं लोगों के द्वारा, रेलवे स्टेशन भी जाम करने की ऐसी-ऐसी बातें फैलाई गई, लेकिन तब कांग्रेस कहीं नजर नहीं आई। नहीं, ऐसा है, कांग्रेस तो हमेशा ही अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है। जब भी आप देखोगे कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो इनके खिलाफ खड़ी होती है, वरना ये किसी को अभी तक किसी भी पक्ष को अपने आगे आने नहीं देते। किसी को ईडी के नाम पे, किसी को CBI के नाम पे ड्रा करके हमेशा उनसे ये बदला लेने का काम करते हैं। कांग्रेस ही पार्टी है जो पूरे हिंदुस्तान में इनके खिलाफ आवाज उठाती है। नहीं, वो हमें भी उनकी हम भी उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए कि जो जनता अगर सड़कों पर आ गई तो वो सरकार किस काम की? जिस देश की जनता इंसाफ मांगने के लिए अगर सड़क के ऊपर आ जाए तो वो सरकारें क्या कर रही है हमारी? जो इतने इतने बड़े वादे कर करके वो देश में आते हैं, वो नेता लोग अपनी पेंशन क्यों नहीं छोड़ते? वो मिलिट्री की पेंशन को बंद करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ वो नेता लोग जो 5 साल राज करके हमारे देश के ऊपर झूठ बोल करके उनकी पेंशन सरकार क्यों बंद करती? हमारी केंद्र सरकार में दम है तो अनाउंस करे कि किसी भी नेता को कभी पेंशन कोई नहीं मिलेगी। देखिए हमारा देश कहाँ पहुँचता है। आज कई हजार करोड़ रुपये हमारी जो केंद्र सरकार है, जो भूतपूर्व जो नेता है उनकी पेंशन पे खर्च करती है, वो हमारे देश के विकास पे खर्च करे। कांग्रेस के नेता ये पहल करेंगे अपनी पेंशन छोड़कर? बिल्कुल, अगर सरकार ये सारे कानून लेकर आती है तो सबसे पहले हम पहल करेंगे। अगर केंद्र सरकार ये कानून लेकर आती है या भूतपूर्व नेताओं को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए, सबसे पहले कांग्रेस से उसका अनाउंस करे। छोड़ दे फिर सरकार का तो जाग जाए। क्या कांग्रेस का क्या छोड़ दे? पेंशन छोड़ दे क्या तो सरकार जाग जाए, उसके बाद वो भी छोड़ने को तैयार हो जाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा क्या? जब ये हर चीज के नाम पर देशभक्ति दिखाते हैं तो एक कदम बढ़कर के इसके नाम पर भी देशभक्ति दिखाए। कांग्रेस तो हमेशा जनता के साथ रही है। कांग्रेस तो वो पार्टी है, आंदोलनकारी पार्टी है, जो गुलामी के टाइम भी आंदोलन करके अपना वो हमारे देश को आजादी दिलाई थी। इन लोगों का वजूद क्या है? आप ये बताइए, ये जनता के लिए इन्होंने किया क्या है बताइए?
भी कहा जा रहा है कि जो युवा होंगे 4 साल के बाद उनको प्राथमिकता दी जाएगी। हाँ, उनको बीजेपी के दफ्तर में झाड़ू पोछा काम दिया जाएगा, उनको बीजेपी के दफ्तर में एक वो सिक्योरिटी गार्ड बना खड़ा किया जाएगा। यही देश की भक्ति हमारे देश हमारे उन नौजवानों का मजाक है। सबसे बड़ा ये जो नौजवान अपने देश की भक्ति करके आते हैं और वो बाद में आकर बीजेपी के दफ्तर के अंदर झाड़ू पोछा लगाएंगे, ये देशभक्ति है इसकी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस के जो नेता हैं कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं।